Where are you going? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मम्मा ने गिरा दे नहीं अच्छे। अरे क्या हुआ? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गिर गया। आईफोन? मैंने एक साल से आपके लिए पैसे जमा कर रही थी इसके लिए। इसके लिए मैं बोलता हूँ इतनी महंगी गिफ्ट लेने की टेंशन लेने का कुछ नहीं है। चलो देखता हूँ, मैं जाता हूँ लेकर आते हैं। ठीक है चलो। अरे जाने दो, चलो। ऐसा सोचो नसीब में नहीं था करके। इंश्योरेंस था क्या? इंश्योरेंस भी नहीं। था ले लेती मैंने नहीं ली, सॉरी। चलो नसीब में नहीं है, क्या बोल सकते। ऐसे रखा, गए गए पैसे पानी में। चलो रो मत, ये पानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कुछ नहीं है। चलो हो गया, खुश हूँ मैं। ये सब गिफ्ट दिए ना, वो अच्छे लगे गिफ्ट। सब 2 hours later। अरे कुछ नहीं, ऐसा चल जाता। क्या है उसकी, क्या टेंशन लेने का है? फोन ही से ना। आपको नहीं आया टेंशन? पक्का नहीं आया? दिख रहा है। अरे नहीं, उसमें क्या है, बस प्यार से। तुम ये ना, वैसे भी आईफोन मेरे को यूज करना आता है। दो जोया तो इसके लिए इतने कॉर्नर में रुके हुए थे भाईजान एकदम। कुछ छोटा तो नहीं होता उनके पे तेज बोलो तो वही है कि हाँ बाबा ठीक है। इसके साथ में बोलो तो मनी अटैच्ड होता है करके, तो वो थोड़ा टेंशन रहता है। लेकिन अभी क्या करेगा, अभी इतने आंसू ये वो आ रहे, वो बच्चे ऐसे ये हो रहे, चिल्ला पड़ रहे, तो फिर वो डर वो मेन है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ठीक है। गले भी मिलो भैया का, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था ताकि तो मैं ये सब कर पाई। नहीं तो थैंक यू भैया। पसीना पोंछ लेती हूँ पहले मैं अपना, पता नहीं मेरे को क्या सुनना है आज। अब बोलते हैं ना, कितना भी टेंशन आया भी ना, इंसान जाहिर नहीं करना चाहिए, वो आदत है। इतना टेंशन आ गया था मुझको भी, बोले तो वो सस्ते का तो नहीं है फोन, ऊपर से बोले इंश्योरेंस नहीं है, बोले तो खत्म है। तो और हार्ट बीट ऐसे ही हो गए थे, क्या बोलने का।
इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। मारेंगे तो फिर चलेगा। मैं भाग रही हूँ। मालूम है इनको मैं आईफोन नहीं यूज करता हूँ, इतनी महंगी की चीज यूज करती हूँ। यू डिजर्व इट, ये आप डिजर्व करते हो। ये मैनेजर रह के 5 साल से वही सड़ा हुआ फोन यूज कर रहे हैं वन प्लस, और उनका ऑलमोस्ट फोन खराब हो चुका है फिर भी घिसा पिटा फोन यूज कर रहे हैं। नहीं, जब हम मैं फोन आईफोन आप मुझे दिला सकते तो आप भी आईफोन ऐसे, आप कितने मस्त लग रहे थे तो। हाँ, जब मेरा फोन आएगा आप फोन उठाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अरे तो इसके पहले भी तुमने जो आईफोन दिलाए थे वो भी देखे ना, ऐसे ही पड़ा है घर पे। वाकई में बोले तो इतना महंगा फोन रहता है ना, मेरे को इसको कैरी करना भी बोले ना तो टेंशन हो जाता है। मेन वो है और प्रो मैक्स है। आई डोंट बिलीव दिस, असंभव। आईफोन प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्रो मैक्स। अबू स्टैचू। ₹2,00,000 किधर दिखता भैया इसमें? नहीं दिखता। ये खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा लगा बैठे हो। हाँ, लेक्चर तो सुनने वाले तुम लोग ये करके। तुमने पैक करे थे? हाँ, थैंक यू, तुमने पैक करे थे। मम्मी को बोले ना इतना महंगा गिफ्ट नहीं लेने का करके? मम्मा ने कुछ लिया। भैया ने बोला मेरे को लेने। भैया क्यों बोला तूने मेरे को लेने? भैया ने को मालूम, भाई ने बोल सकते थे कभी? भैया तो नहीं बोले। नहीं भैया, ये सिर्फ तुम्हारा ही दिमाग रहेगा और बच्चे लोग का है ना। अच्छा ओपन तो करो, चलो अभी खुशी खुशी ओपन करो। ये पीस ऐसे ही रहेगा लाइफ टाइम, यूज कर सकता मैं इतना। ये तुम ले लो, तुम्हारा फोन मेरे को दे दो। नहीं नहीं नहीं, ये आप यूज करोगे। चलो ओपन तो करो, चलो। बिस्मिल्लाह। ये ऐसे रहता है, ये लो। ये भी दिन देखना नसीब करो। आमीन, शुक्र है। अच्छा लगा क्या? अच्छा लगा, लेकिन वही मैं बोला ना, ये तुम यूज करोगे। नहीं, आप यूज करेंगे, आप ऑफिस लेके जाओगे। नहीं मुझे कैरी करना भी बोले तो नहीं, अपन अच्छा सा इसको स्क्रीन गार्ड अच्छे से बैक कवर लगाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। और वो मैंने कैसे रिंग्स लगाई हूँ इसके लिए, कैमरे के लिए, तो अच्छे से आप लगे। अभी टेंशन आ रहा है मेरे को फोन का। चलो अच्छा है बाबा, वाकई में फोन नहीं गिरा। अच्छा प्रैंक कैसे लगा आप बताओ? बहुत बहुत भयानक प्रैंक बोले तो किसी के साथ भी ऐसा मत करो करके। मैं तो बोला चलो कुछ तो ऐसा क्या रहेगा करके, मालूम नहीं है, लेकिन कवर देखा तो थोड़ा ये लगा, लेकिन फिर भी कैसे लगा ये तो बताओ। बहुत अच्छा लगा, तुम लोग से कम अच्छा है, लेकिन तुम लोग से कम। तो भैया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसने लेके गया और उसने बहुत उधर लड़ाई झगड़ा किया, बहुत मगजमारी हो गई, तब जाके फोन आया है। बहुत सारी चीजें हो गई। और वो एक गिफ्ट, ये गिफ्ट आज आपके लिए, क्योंकि आप स्टीम आयन, मैं बोलूँ ना इतने दिनों से, मैं दिनों से क्या महीनों से चल रहा था, मेरे पीछे लगे थे चलो लेने चलो लेने। तो मेरे ख्याल से उनको आईफोन से ज्यादा स्टीम आयन ही अच्छा लगा है ना। Yes. मैं क्या बोल रही थी भैया? Yes. वो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है, कितना भी बाहर प्रेस को दो ना, फिर भी वो शर्ट्स पे लाइनिंग, ड्रेस पे लाइनिंग्स आती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बस यही कहूंगी कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप जो भी मेरे लिए किए ना, उसके लिए मैं थैंक यू भी बहुत कम है आपके लिए। Yes. आज मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि आज मेरे को ये फन पार्ट बनाना है। आज मेरे को ये मतलब पिछले साल मैं बहुत रुलाई थी आपको भी, और मैं भी बहुत रोई थी। बस थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, और आप भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, समझे। व्लॉग खत्म होने के बाद शौर्जी मेरे से लड़ाई कर रहे हैं, तो मैंने उनको वही बोली कि
मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। 5-6 साल से वो सड़ा हुआ फोन यूज कर रहे, हमको सारी चीजें दिलाते, खुद कोई चीज लेते नहीं अपने लिए। तो मैंने ले ली, मैं ना एक साल से ये फोन के लिए मैं पैसे जमा रही थी थोड़े थोड़े करके, और इसी के लिए मैं पैसे जमा रही थी क्योंकि मुझे नहीं देखा जाता। शौर्य जी अपने लिए कुछ नहीं करते, हमारे लिए सारी चीजें, हम आईफोन लेकर बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन शौर्य जी वो सड़ा हुआ नहीं। मुझे आप नहीं, मैं इतना महंगा चीज लेने की पहली बात तो वर्थ है नहीं, ये पैसे कहीं और पे यूज़ कर लेंगे मैं और मेहनत करूंगी, मैं और दिन रात मेहनत करूंगी। वो बात नहीं है, तुम्हारे से मेहनत कराना बोले तो ये सिर्फ गिफ्ट लेना है, ये करना है, उसके लिए नहीं मेहनत करा रहे हो, वो चुप तुम्हारा पैशन है करके तुम कर रहे हो, ठीक है ना। ये नहीं है कि तुम कर रहे हो इससे महंगे महंगे गिफ्ट लेने का, तुमको खर्चा करने के लिए बोल रहा हूँ, वो सब नहीं है। ये मतलब मेरा वो जो मेरा रहता है ना, जो मैं अपने लिए सेव करती हूँ, थोड़े मोटे छोटे मोटे जो चीजें, वो चीज मैं नहीं लेके वो पैसे जमा करके मैंने ये छोटी बच्ची भी बोल रही। बेटा मैनेजर है, इसका मतलब नहीं है कि ऐसे महंगे महंगे चीजें यूज करना है करके। यार आजकल ना कॉलेज जाते बच्चे ना, जो कॉलेज जाते हैं वो जो कमाते नहीं, उन लोगों के पास भी आईफोन। जो इन्होंने इतने साल से कर रहे हैं ना, पिछले 2 साल से ये जितना सोशल मीडिया पे जितने भी प्रमोशन ये वो करते हैं ना, तो उसका उन्होंने मेहनत की कमाई से ये लिया है। तो मेरे लिए वैसे तो ये गिफ्ट बहुत अनमोल है, लेकिन बस ये बात का ये लगता है कि इतनी महंगी चीज और इतनी अनमोल चीज मैं कैरी करना बोलूं करेंगे। मैं आपको इनका फोन दिखाती हूँ, देखो ये, देखो ये 5-6 साल से ऐसा फोन यूज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं देखा जा रहा था, जैसे कि इनको मैं कुछ खराब चीज यूज करा हुआ नहीं देखा जाता, वैसे मुझे भी इनको कोई खराब चीज ऐसा नहीं, खराब है अच्छा है, बट मैं चाहती थी कि मैं आईफोन, हाँ मतलब आजकल हर कोई आईफोन यूज कर रहा है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये डिजर्व करते शौर्य जी। और इस टाइम अभी इस एज में हम लोग आए हैं, हम लोग ने हमारी लाइफ में सिर्फ सैक्रिफाइसेस ही किए हैं लोगों के लिए, सबके लिए, आपने स्पेशली आपने, मैंने तो नहीं, मैं तो अपने फुलफिल कर लेती हूँ नीड्स, बट ये इंसान है ना कभी नहीं करता है, तो मैं नहीं देख सकती ऐसे, इसलिए मैंने आपके लिए ले ली। आप मुझे चाहे मारो या फिर इधर से उठा के फेंक दो। हाँ उठा के फेंक देता हूँ। दिमाग में वो होता है यार, पूरी दुनिया यूज करती है आईफोन, क्या करूं मैं इस इंसान का, सच में पसीना निकाल दिए। क्या हुआ, इतने दूर बैठे बैठे तुम? हाँ तो अभी क्या बोलूँ मैं, अभी इनके बारे में कुछ भी बोलूंगा ना तो लोगों को ऐसे लगेगा कि आईफोन दिए करके तारीफ। शौर्य जी तो खुद से भी ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, आईफोन लेना उनके लिए ऐसे चुटकी का काम है, बट वो अपने लिए कुछ नहीं लेते, हमारे लिए सारी चीजें लेते। ये नहीं है कि ये नहीं ले सकते और मैंने इनके लिए लिया, मुझे लेना था बट मुझे ऐसे देखना था, हाँ शौर्य जी ऐसे आईफोन में बात कर रहे, जरा फ्लॉन्ट करो, तुम्हारा भी फोन लेके बात कर तो आईफोन करना है, तो मुझे पता नहीं, मुझे था वो कि आपको आईफोन दिलाना है, बस खत्म, मेरा था वो, मैंने दिला दिया, अभी वो आप देख लो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अभी दिए तो देखते हैं, लेकिन वही है मेरे को ना, आईफोन 15 प्रो टाइटेनियम है ये जो है ना, इससे तो मतलब मेरे भी काम में है ना, फोन भी इसमें व्लॉग वगैरह वो चलेगा, तुम्हारे काम में आएगा, वही चलेगा, मेरा भी है थोड़ा बहुत कुछ, लेकिन ऑफिस तो आप यही लेके जाओ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह देखते हैं। ऑफिस में बोले तो मेरे को अभी वो ऑफिस से मोबाइल रजिस्टर्ड करना पड़ता है, उस पे वो ऐप पे QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, बहुत सिक्योरिटी, बहुत सिक्योरिटी थिंग्स रहते हैं। आराम से चलो, ये अपने पास है जब तक OnePlus, तब तक काम चलाओ, ये जब तक होने तक अपडेट करेंगे, चलो चलो अपन, मेरे से जब भी मिलते तो ऐसे शर्माते हो पहले दिन से, हमेशा तंदुरुस्त रखे और खुश रखे, और आपकी जोड़ी ऐसी अल्लाह ताला कायम तक कायम सलामत रखे,
जन्नत में भी हमको साथ जाना। आमीन आमीन आमीन। ये जो डिसीजन है ना, ये जो डिसीजन है ये मेरे अब्बा ने ही लिए है। अब्बा हाथ दो तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुमको तुम्हारा भी जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और इनके अम्मी अब्बा के लिए भी मैं बहुत दुआ करूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए शॉट जी दिए हैं। थैंक यू सो मच। जितना भी उनको ले शुक्र अदा करूँ और उनके लिए दुआ करूँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और बस मम्मी के तो आंसू ही आप लोगों को सब कुछ बता देंगे। बस ये लोगों ने जो मेरे लिए किया है ना, मैं मतलब चाहकर भी इनका जो वो है ना, मैं पे बैक नहीं कर सकती हूँ। चलो अभी तो अच्छे वहाँ पर होने का नहीं, अच्छे लेके जाओगे। जितना भी तुम ट्राई करो ना प्रैंक वगैरह फनी वीडियो बनाने का, नहीं होने वाला तुमसे। इसलिए हम लोग ने खुशी के आंसू है तो आंसू बोले तो उसमें बोले तो लिटरली बोले तो उनकी मोहब्बत, उनका अपनापन वो सब झलकता है। और वही मैं बोलूँगा कि मैं भी बोले तो ऊपर वाले का, घर वालों का, सबका इतना शुक्रगुजार हूँ ना कि इनको मेरे ज़िंदगी में दिए करके। मतलब तो जब से ये आए ना मेरी ज़िंदगी बदल दी है बोले तो एकदम एकदम अलग ही बोले तो मुझे पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्म किया है बोलेंगे। ऐसे है ठीक है, ऐसे नहीं है कुछ बुरी आदतें या बुरी हरकतें थी पहले तो ऐसे नहीं, लेकिन इतना था कि घूमना फिरना बहुत था, मेरा भी गुस्सा बहुत था। ऐसे नहीं है, हम दोनों का सेम था, सिमिलर था। इनमें भी वो चीज़ थी, मेरे में भी कुछ कुछ बुरी चीज़ थी। हम दोनों ने भी उसको मतलब साथ में वर्कआउट किया, वर्कआउट किया। मैंने भी बहुत सारी मतलब मैं ना पागल थी, मतलब लोगों की बातों में आ जाती थी कैसे भी, मतलब अभी भी थोड़ी बहुत आ जाती हूँ, लेकिन शौजी ने बहुत उसके लिए मेरे को वो चीज़ में सपोर्ट किया कि किसी के बातों में मत आओ। मैं किसी के भी कुछ भी बातों में आती थी ना मम्मा। वही चीज़ होती है ना, जब तक अपने आँखों से देखेंगे नहीं, अपने कानों से सुनेंगे नहीं ना, तो वो चीज़ों पर भरोसा नहीं करना है जब तक कि तुम वो नहीं है ना। और एक चीज़ है कि एक दूसरे में बोलो तो कभी भी ना खामियां नहीं ढूंढो, अगर खामियां दिखी भी ना तो उसके ऊपर काम करो और उसको कैसे उससे बाहर निकले वो बताना है। और दूसरा रहता है क्या, एक चीज़ के कभी कोई राज नहीं रखना। रिलेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके अंदर तुम्हारा जो है ना कि उसमें ट्रांसपेरेंट हो, कोई सीक्रेट्स ना हो, कोई प्राइवेसी ना हो, सब कुछ बोले तो एक खुली किताब की तरह वो बताओ, तो वो तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत होता है और उतना भरोसा, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, बहुत आगे तक वो रिश्ता चलता है। तो हमने 16 साल बहुत हमारे रिश्ते को वर्कआउट किए, बहुत समझे, बहुत अंडरस्टैंड किए, तो अब जाके हमारा रिश्ता इतना स्टेबल हो गया कि चार लोग आकर हमको कुछ बोलेंगे भी ना, मुझे इनकी बुराई करेंगे या फिर इनको मेरी बुराई करेंगे, तो हम बिल्कुल भी किसी पे यकीन नहीं कर सकते। हमको ना वो बातें ना क्या बोलते हैं, अनवांटेड लगेगी, क्योंकि हम लोगों में इतना ट्रस्ट बैठ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी भी अभी कोशिश कोई भी कर ले, हमारा ये फेविकॉल का जोड़ नहीं टूटने वाला। फेविकॉल से भी ज़्यादा मजबूत रिश्ता है ये रिश्ता, वो बोलते ना ये जोड़ वो है जो अल्लाह ने बनाया ना, तो वो कभी। और ये रिश्ता स्पेशली बोल रही ना मम्मी अब्बा ने, और अब्बा ने पता नहीं अब्बा को इनमें क्या दिखा और क्या क्या दिखा। अब्बा तुम बोलो सच, आ जाओ, क्या अच्छा, सच्ची क्या 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 अच्छा लगा, एक चीज जो अखलाक अच्छे थे उनके, हर चीज अच्छी थी उनके। तो वही है, उनको अब्बा को एक बैठ गया था कि नहीं मेरी बेटी करेगी शादी तो इस इंसान से ही करेगी, तो अब्बा का जो डिसीजन है ना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं अल्लाह का कितना भी लाख लाख शुक्र करूँ वो कम है, और अम्मी अब्बा का कितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो बस, और बस क्या बोलूँ, और मैं बोलते बैठेंगे, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे, बड़ा ब्लॉग बन जाएगा। चलिए जोया, अब तुम कुछ बोलो अब्बू के लिए, अब्बू के लिए। अरे मैं अब्बू के लिए क्या ही भूल गई, अब्बू इज लाइक माशाल्लाह। मैं बोलूँगा ना, अल्लाह ने मुझे औलाद भी जो दिए ना, दोनों भी बहुत बेहतरीन बोले तो बेहतरीन में से बेहतरीन है। कभी कोई कंप्लेंट, कभी कोई क्या, कुछ देते ही नहीं मौका ऐसा कि मैं डांटूं, चिल्लाऊं या कभी किसके सामने जोया तुम भी रो रही हो, कभी मेरी नजरें किसके सामने झुके, कभी नहीं। आई एम प्राउड जोया, बोलो कुछ अब्बू के लिए। चलो चलो, वो भी रोएगी, नको नको, चलो रो नहीं, चलो।
बर्थडे ना खुश होते कोई ये आ गई। और ये है कि जो जोया को मेरे पास आने नहीं, जोया को क्या किसी को भी नहीं आने देती, किसी को भी नहीं। अच्छा चलो बोलो तुम दोनों कुछ अब्बू के लिए, चलो फटाफट। हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू जोया, बोलो चलो अब्बू के पास जाओ। आज दिन तक मैंने इतना परफेक्ट इंसान कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। ही इज द रीजन मेरे स्टैंडर्ड जितने हाई है, मैं इतनी हाई मेंटेनेंस हूँ, कभी मतलब कि ऐसा सेटल नहीं होंगी कोई छोटी चीज के लिए। जब भी मैंने कुछ भी देखा है, कुछ भी मुझे पसंद आया, वो मेरे हाथ में होती है हमेशा। ही इज मेड श्योर कि आई गेट वट एवर आई वॉन्ट एंड ही इज प्रोवाइडेड मी विथ एवरी थिंग दैट आई नीड इन लाइफ एंड ही इज माई बिगेस्ट मेंटोर, माई सपोर्टर, माई बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन। लाइक अबू को देख के ऐसा लगता है ना कि अबू इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना ग्राइंड कर रहे हैं हमारे लिए, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट बोथ ऑफ यू, आई जस्ट लाइक वांट टू डू समथिंग इन लाइफ कि तुम दोनों यू नो ऐसा लाइक प्राउड हो। प्राउड ही है बेबी, हम प्राउड ही है बेबी। नाज होता है तो वाकई में। और आप क्या बोलेंगे अबू के लिए कुछ? बस आई लव यू कुछ बोलो। गद्दू नौटंकी। इस तरह से मैंने शॉर्ट जी का बर्थडे स्पेशल बनाया और उनको पसंद भी आया। इस व्लॉग में मैं शॉर्टली वही कहूँगी कि इसमें फ़न, मस्ती, मजाक और हंसी खुशी, फैमिली गेट टुगेदर और इमोशनल टच भी था, और शौहर जी को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बस यही दुआ करूँगी शौहर जी के लिए, बस उनकी सेहत अच्छी रहे, अल्लाह उनको खुश रखे और ज़िंदगी में उनको जो भी चाहिए ना वो हासिल हो उन्हें। और आप लोग भी मेरे शौहर जी के लिए खूब सारी दुआ करना, और प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।